नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। पौड़ी जिले के कोटद्वार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल यहां एक गौशाला के अंदर एक अजगर के घुस जाने से गौशाला मालिक के हाथ पांव फूल गए। इस दौरान आनन फानन में घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद खतरनाक अजगर को बड़ी ही सतर्कता से पकड़कर उसे वापस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। पौड़ी जिले के कोटद्वार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जदल्ली मोला ध्रुवपुर में एक गौशाला में अचानक एक अजगर के घुस जाने से गौशाला मालिक के होश उड़ गए। दरअसल इन दिनों भारी बारिश के चलते उमस बढ़ गई है, जिसके चलते इंसानों के साथ जानवर भी इस उमस से परेशान हैं। यही वजह है कि आज गौशाला में लंबा चौड़ा अजगर निकलने से गौशाला मालिक के हाथ पांव फूल गए। आपको बता दें कि गौशाला में सांप को देखते ही गौशाला के मालिक राजीव नेगी ने तुरंत अपनी गौशाला में अजगर के घुस आने की खबर वन विभाग के कर्मचारियों को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गौशाला में घुसे सांप का घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। वहीं अजगर को कब्जे में लेने के बाद उसे वापस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया, जिसके बाद गौशाला मालिक ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।